पोको जो सियोमी की एक सब कंपनी है, ये कंपनी एक नया फ़ोन लेकर के आई है जिसका नाम है पोको M6 Pro 5G, जिसका हाईएस्ट वेरिएंट लगभग 13,000 का आपको मिलने वाला है। तो इस फ़ोन में स्पेसिफिकेशन क्या है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए चलते हैं। इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन सुना था हम लोग इसकी डिस्प्ले से ही करने वाले हैं। तो इसकी डिस्प्ले 6.79 इंच की IPS LCD आती है जिसकी फिक्सर डेंसिटी 396 PPI है और इस डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास वर्जन 3 और 550 निट्स की ब्राइटनेस के साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश भी मिलता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, क्योंकि फ़ोन गेमिंग के लिए भी यूज किए जाते हैं। तो इस फ़ोन में कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का प्रोसेसर आता है और ये CPU ऑक्टा कोर है जिसमें हाईएस्ट स्पीड 2.2 GHz और लोएस्ट 2 GHz की मिलने वाली है और इस प्रोसेसर का फैब्रिकेशन 4nm का है और साथ में ग्राफिक्स इसमें एड्रीनो 613 का यूज़ किया गया है। और ये फ़ोन रैम और स्टोरेज के दो कॉम्बिनेशन के साथ आता है जिसमें से पहला 4GB रैम और 64GB स्टोरेज है और दूसरा 6GB रैम और 128GB स्टोरेज है और इसमें रैम वर्जन LPDDR4X का यूज़ किया गया है और UFS 2.2 यानी स्टोरेज वर्जन है ये। अब इसके रियर कैमरे की बात कर लेते हैं, क्योंकि फ़ोन फोटोग्राफी में भी अच्छा होना ज़रूरी है। तो इस फ़ोन में डुअल कैमरे आने वाले हैं जिसमें से इसका जो प्राइमरी कैमरा है ये 50MP का आता है जिसका अपर्चर 1.8 है और ये वाइड एंगल कैमरा है और इसका जो दूसरा कैमरा है 2MP का आता है जिसका अपर्चर 2.4 है और ये डेप्थ कैमरा है और इस कैमरे से हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p में 30fps के साथ हम लोग कर सकते हैं। अब चलते हैं सेल्फी के मामले में ये फ़ोन कैसा होने वाला है हमारे लिए। तो इसमें एक ही कैमरा आने वाला है फ्रंट में और ये 8MP कैमरा है जिसका अपर्चर 2.0 है और ये वाइड एंगल कैमरा है। अब इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग अगर हम लोग करना चाहते हैं तो 1080p में 30fps के साथ हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फ़ोन में OS और इंटरफेस कैसा होने वाला है। तो इस फ़ोन में एंड्रॉयड वर्जन 13 और MIUI 14 मिलने वाली है एक बेहतरीन इंटरफेस के साथ। अब फ़ोन तो बाकी चीज़ों में तो अच्छा रहा, लेकिन नेटवर्क के मामले में कैसा ये फ़ोन होने वाला है। तो ये फ़ोन डुअल 5G स्टैंड बाई है और इसमें 5G के 6 बैंड और 4G के भी 6 बैंड मिलने वाले हैं और इसमें वाईफाई की बात करें तो इसमें वाईफाई वर्जन 5 मिलने वाला है और ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो ये भी 5 ही है। अब इन सब में तो फ़ोन ठीक ही है, नेटवर्क थोड़ा कम है, बैंड कम है, फिर भी अगर हम लोग सिर्फ बैटरी की बात करें कि बैटरी लाइफ कितनी होने वाली है तो इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है 5000mAh की है और ये लाइव पॉलीमर बैटरी है। अगर इस बैटरी को हम लोग चार्ज करना चाहते हैं तो 18W के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ़ोन के सेंसर्स की। तो इसमें जो सेंसर है फिंगरप्रिंट वो साइड माउंटेड मिलने वाला है और जो अदर सेंसर हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं जो नया टॉपिक मैंने जोड़ा है इसमें मल्टीमीडिया का। तो इस फ़ोन में मल्टीमीडिया में FM रिकॉर्डिंग मिलने वाली है और साथ में लाउड स्पीकर रहेगा और ऑडियो जैक में 3.5mm का स्लॉट हमें मिलेगा। अब इस फ़ोन में और कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए और अगर आपको फ़ोन के बारे में समझ में ना आया हो कि हार्डवेयर कैसा है तो इसके बारे में मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है बाय न्यू फ़ोन करके, जो आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और वीडियो के आखिरी में भी। और कमेंट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से कमेंट करते हैं तो मुझे भी लगता है कि हाँ, मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा टॉपिक और नए फ़ोन के बारे में बताता रहूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए नए से नए टॉपिक के लिए। और जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि रोड क्रॉस करते समय या गाड़ी चलाते समय फ़ोन का बिल्कुल भी यूज मत कीजिए, क्योंकि दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।